हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूर्य नमस्कार के आसनों के बारे में और उसके मंत्रों के बारे में कि सूर्य नमस्कार करते समय इन आसनों के साथ साथ आपको इन मंत्रों का भी उच्चारण करना है। आसन से आपको शारीरिक लाभ होगा और मंत्र से आपको मानसिक लाभ होगा। इन दोनों का तालमेल आपके मस्तिष्क और शरीर दोनों को मजबूत बनाएगा और आपको और विकसित बनाएगा। तो प्रतिदिन अधिक योगा आसन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ प्राणायाम करना है प्रतिदिन, यदि आप स्वस्थ हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर एक चीज की कमी है, वह है आलस। आलस को त्याग करके प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, इससे आपको बहुत फायदे होंगे। जो आपके काम है, रुके हुए काम है, जिस काम को करने में आपको मन नहीं लगता है, या हो सकता है ऐसे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हो जिसकी वजह से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो होता क्या है कि जब आसन करते हैं तो उससे आपके शरीर में रक्त संचार जो है वो तेज हो जाता है। और दूसरा, जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ, तो आपके दिमाग में सोए हुए जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को हम सोच नहीं पाते हैं सालों से, और कभी कभी ऐसा आता है कि अचानक वो चीजें होने लग जाती है, याद आने लग जाता है, कई चीजें याद होने लग जाती है। ये सब न्यूरॉन के जागने की वजह से होता है, न्यूरॉन के सोने की वजह से होता है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य नमस्कार के दौरान आने वाले कौन कौन से आसन हैं और उनके जो मंत्र हैं वो कौन से हैं। और इसमें 12 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वही आखिरी स्टेप होता है। बीच में अष्टांग यानी कि अष्टांग प्रणाम आसन होता है। उसके बाद से वैसे ही जो 5 आसन थे उनको दोहराया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो आसन है वह है नमस्कार मुद्रा। और नमस्कार मुद्रा में कौन सा मंत्र आता है? ओम मित्राय नमः। दूसरा है दोस्तों हस्तोत्तान आसन, और इसका मंत्र है ओम रवये नमः। तीसरा जो है दोस्तों वह है हस्तपाद आसन, और हस्तपाद आसन का जो मंत्र है वह है ओम सूर्याय नमः। चौथा है दोस्तों अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन का मंत्र है ओम भानवे नमः। पांचवा है दोस्तों पर्वत आसन। पर्वत आसन का जो मंत्र है वह है ओम खगाय नमः। तो ये हो गया पर्वत आसन का मंत्र। अब है दोस्तों छठा। छठा जो है वह है अष्टांग प्रणाम आसन। अष्टांग प्रणाम आसन के जो मंत्र है ओम पूषणे नमः। दोस्तों सातवां जो आसन है वह है भुजंग आसन, और भुजंग आसन का जो मंत्र है वह है ओम हिरणगर्भाय नमः। आठवां है पर्वत आसन। पर्वत आसन का जो मंत्र है वह है ओम मरीचाय नमः। नौवां आसन जो है वह है अश्व संचालन आसन, और इसका मंत्र है ओम आदित्याय नमः। दसवां है दोस्तों पाद हस्त आसन, और इसका मंत्र है ओम सावित्राय नमः। ग्यारहवां है दोस्तों हस्तोत्तान आसन, और हस्तोत्तान आसन का मंत्र है ओम अकार्याय नमः। और आखिरी का जो दोस्तों है वह है 12वां यानी कि फिर से प्रणाम मुद्रा, और प्रणाम मुद्रा का जो मंत्र है ओम भास्कराय नमः। इस तरह से इन 12 आसनों को 12 मंत्रों के द्वारा शरीर और मन को मजबूत बना सकते हैं, बहुत सारे तकलीफों को दूर कर सकते हैं, आपके अंदर वह तेज व ऊर्जा फिर से जागृत हो जाएगा। और कोशिश
जिनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उनका क्रोध सब शांत हो जाएगा। जिनके पास बहुत सारे दुर्विचार हैं या दुर्गुण हैं, वह सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। देखिए, जब हमारे दिमाग में जब न्यूरॉन एक्टिव होने लगता है, पॉजिटिव न्यूरॉन एक्टिव होता है, तब हमारा मस्तिष्क काफी अच्छे से काम करता है और शरीर में रक्त संचार की वजह से हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला रहता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है, इससे हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। शरीर ऊर्जावान इसीलिए महसूस होता है क्योंकि रक्त के अंदर जितना ऑक्सीजन की मात्रा होगी, आपका रक्त जितना ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर पाएगा, उतना ही आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता रहेगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और आप अपने आप को एकदम परफेक्ट और सही समझेंगे, पॉजिटिव देंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों की फीलिंग समझेंगे, बहुत सारे ऐसे चीजें। तो दोस्तों, आई होप कि आप इन 12 आसनों को इनके मंत्रों के द्वारा करें, क्योंकि वैदिक काल में जब सूर्य नमस्कार मंत्रों के द्वारा किया जाता था तो उन्हें तो फायदा होता ही था, साथ में उन लोगों को भी फायदा होता था जो इन मंत्रों को सुनते थे। तो मंत्र में बहुत पावर होता है। मंत्रों को लयबद्ध तरीके से सुर में गा करके योगाभ्यास करें, इससे आपको फायदा होगा। ध्वनि प्रभाव डालती है आपके मस्तिष्क के ऊपर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, और आशा करता हूँ कि आप सूर्य नमस्कार अगली बार जब करें तो सिर्फ आसनों के साथ मंत्रों का भी उच्चारण करें, तब जाकर के आपको फायदा होने वाला है। मानसिक रूप से अधिक जो चीजें हैं वह आपका मानसिक रूप से मजबूत होना है, ना कि शारीरिक रूप से। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो शारीरिक रूप से अपने आप मजबूत हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। जब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।